Please take a moment to subscribe by pressing the bell icon on the YouTube app to never miss another update from Bolly to Box. के टिट्टू की स्वीटी के बाद कार्तिक आर्यन की किस्मत बदल गई है। रातों रात वो बी टाउन के नए चॉकलेट बॉय बन चुके हैं और उनकी अपॉइंटमेंट डायरी देखते ही देखते भरने लगी। इस फिल्म के बाद कार्तिक ने लुका छुपी में भी काम किया और इन दिनों वो सारा अली खान के साथ लव आजकल 2 की शूटिंग में बिजी है। इसी साल दिसंबर में कार्तिक की फिल्म पति पत्नी और वो रिलीज होगी और फिर अगले साल फरवरी में उनकी और सारा की फिल्म लव आजकल 2 रिलीज होगी। इसके बाद 2020 में उनकी फिल्म दोस्ताना 2 भी रिलीज होने वाली है। इसके अलावा कार्तिक ने भूल भुलैया 2 को भी साइन किया। इस फिल्म को अनीस बज़मी डायरेक्ट करने वाले हैं। इसके अलावा कार्तिक अनीस के साथ एक और कॉलेज रोमांस के लिए भी टीम अप करने वाले हैं। इस फिल्म में उनकी लीडिंग लेडी होंगी दिशा पाटनी। ये फिल्म 2019 के आखिरी क्वार्टर तक फ्लोर पे जाने वाली है, पर अब जो अक्टूबर में कार्तिक दोस्ताना 2 की शूटिंग में बिजी हो जाएंगे और फिर भूल भुलैया 2 की शूटिंग भी किक स्टार्ट हो जाएगी, तो उनकी किट्टी में अब इस कॉलेज रोमांस के लिए कोई जगह नहीं है। वैसे भी भूल भुलैया 2 के डायरेक्टर भी अनीस बज़मी ही है, तो इस एक्टर डायरेक्टर डुओ ने दिशा के साथ शूट होने वाले कॉलेज रोमांस को स्टॉल करके बैक बर्नर पर डाल दिया है और अब ये दोनों अपना पूरा फोकस भूल भुलैया 2 पर डाल देंगे। अब इस लेंथी स्केड्यूल के चलते शायद इस लव स्टोरी की कास्टिंग में भी कुछ बदलाव हो सकता है। तो कार्तिक के इस डिसीजन के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं।